अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मदिया रास किचन। आज मैं अपने किचन में क्या बनाने वाली हूँ, आज मैं आपको ईद के लिहाज से एक बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी दिखाने वाली हूँ जिसका नाम है शाही टिक्का। तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। अच्छा जी, तो देखिए शाही टिक्के जो है मैं आज आपको चिकन में बनाना सिखा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप ये सेम रेसिपी बीफ, मटन, लैम किसी में भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़े बड़े साइज़ के ये क्यूब्स लिए हैं चिकन के, ठीक है, और ये मैंने तकरीबन 500 ग्राम्स चिकन ली है। और अब इसकी हम जल्दी से करते हैं मैरिनेशन स्टार्ट। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। इसके अलावा मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, पिसा भुना जीरा 1 टीस्पून, पिसा धनिया 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक और हल्दी 1 टीस्पून, और यहाँ पे मैंने लिया है ग्रीन चिलीज का पेस्ट तकरीबन 3 टेबलस्पून। ये बहुत मजे का बनेगा इंशाल्लाह। ये देखिए ये भी हमारा गया। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर अजवाइन 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, और यहां पे देखिए मैंने लिया है ये योगर्ट 1/2 कप। If you enjoyed this video, press the like button, subscribe my channel and press the bell icon. हाँ तो जी, देखिए ऑलमोस्ट जो है वो 20 मिनट्स हो गए हैं मेरे टिक्के को मैरिनेट हुए हुए। मैं जो आज आपको टिक्का बनाना सिखा रही हूँ वो मैं आपको नॉर्मल स्टोव पे बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप विदाउट ओवन भी रेसिपीज कुछ बताइए। तो एट दिस पॉइंट अगर आप ओवन में बनाना चाहें तो आप इनको स्क्वेयर्स के अंदर लगा के ओवन में भी बेक कर सकते हैं। अगर आप लाइव बारबेक्यू कर रहे हैं तो आप इसको स्क्वेयर्स में लगा के लाइव बारबेक्यू भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसको जो है वो नॉर्मल जो है वो स्टोव पे बनाना सिखा रही हूँ फ्लेम के ऊपर, के घर में टिक्का जिनके पास ओवन मौजूद नहीं है वो टिक्के को किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो हम जल्दी से करते हैं इसको स्टार्ट। अच्छा जी, देखिए अब इसको हम करना स्टार्ट करते हैं कुक। यहाँ पे ले लिया है मैंने पैन, सही है, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डालना है, मैं ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। तो अब बस मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए ये सारा जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी और 5 मिनट्स के लिए जो है ना हम इसको तेज फ्लेम पे यानी कि फुल हाई फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे फॉर 5 मिनट्स। जब आपको लगे कि आपकी चिकन थोड़ी वाइट वाइट सी होने लगी है तो फिर मैं इसको लिड लगा के जो है वो 5 to 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। अच्छा देखिए 10 मिनट्स के बाद मैं वापस आई हूँ, मैंने लिड हटा के देखा है तो ये देखिए मुझे लग रहा है, लेट मी चेक। आप इस तरह से अपनी चिकन को चेक कर सकते हैं, ये देखिए चिकन मेरी ऑलमोस्ट जो है वो गलने पर आ गई है। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें पानी है काफ़ी ज़्यादा, तो अब मैं इसको लिड खोल के और फुल फ्लेम के ऊपर इसको जल्दी से हम पकाएंगे, हमें इसको अच्छा सा बिल्कुल भून लेना है, सही है जी। तो ये देखिए मैंने कहा था आपसे कि टिक्का जो है हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है, ये देखिए मैंने टिक्के को बिल्कुल ड्राई कर लिया है। इसके बीच में मैंने रखनी है फॉइल। अच्छा देखिए अब जो है मेरा ये जो कोयला है ये ऑलमोस्ट हो गया है गर्म, इसको मैं इस तरह रख दूंगी मिडल में, ठीक है, और थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे ऑयल, जरा सा नॉट टू मच, ये और इसको लगा देंगे जल्दी से हम लिड। हाँ तो जी वेलकम बैक, देखिए हमारा जो टिक्का था उसको हमने धुनी दे दी थी और मैंने कहा था धुनी देने के बाद देखिए मैंने इसको इस तरह से एक डिश में निकाल लिया है साइड पे और मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया क्योंकि अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए इसका ठंडा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा देखिए अब हमने इसमें क्या करना है, ये मैंने यहाँ पे लिया है बटर, और मैं सॉल्टेड बटर ले लें, आप अनसॉल्टेड बटर ले लें, कोई सा भी बटर ले लें, ठीक है। ये मैं यहाँ पे वन टेबल स्पून बटर इसमें, बल्कि 1/2 टेबल स्पून अभी डालूंगी और 1/2 टेबल स्पून मैं इसके ऊपर जब डालूंगी जब हम स्क्वेयर्स लगाएंगे। और ये मैंने लिया है चॉप्ड कोरिएंडर, इन टोटल आपको 2 to 3 टेबल स्पून चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून इसमें कोरिएंडर डाल के और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब देखें मैंने यहाँ पे लिए हैं स्क्यूअर्स, अब मैं इसको लगाऊंगी स्क्यूअर्स के अंदर।
हाँ तो जी देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये देखिए मैंने अपने सारे जो टिक्के हैं उनको इस तरह से स्क्रूज के अंदर लगा लिया है और यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्रिल पैन। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट भी इस तरह से जैसे हम नॉर्मल आंच के ऊपर करते हैं इसको इस तरह से भी जो है वो बारबेक्यू कर सकते हैं। और अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो वेल एंड गुड, आप ग्रिल पैन पे भी कर सकते हैं। देखिए हमारा ग्रिल पैन हो गया है बहुत जबरदस्त सा गर्म। अब देखिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिया है अपना जो मैंने बताया था बटर, इसको हमने हल्का हल्का सा बहुत जेंटली हमने स्टिक के ऊपर इस तरह से लगा देना है, सही है। और ये देखिए इसको मैं इस तरह से रखती जाऊंगी। ये देखिए आप लोग कितने मजे का, सिर्फ मैंने इसको लिटरली हाफ सेकेंड या 30 सेकेंड्स के लिए मैंने इसको छोड़ा है। और ये देखिए इसके कलर कितना अच्छा आ गया, हमने इसको बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है। ये देखिए अब बस एट दिस पॉइंट मैं इस टिक्के को जो है वो अपने स्क्यूअर्स पे निकाल के इसकी जगह दूसरी डालूंगी। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इस टिक्के के साथ शाही टिक्के के साथ एक बहुत मजे का आप लोगों को सैलेड भी बताऊंगी, क्योंकि हम इस टिक्के को जो है वो एज सैलेड जो है एज अ साइड उसके साथ सर्व करेंगे। तो चलिए से हम बनाते हैं अपना सैलेड। देखिए मैंने यहाँ पे ले ली है कैबेज ऑलमोस्ट हाफ कप, ये मैंने ले लिया है क्यूकम्बर, ये सब चीजें मैंने जूलियन कट में ली है, ठीक है हाफ कप। और ये मैंने ले ली है रेड अनियन हाफ कप। अच्छा सैलेड्स में मोस्टली मुझे रेड अनियन पसंद है, तो मैं आपने नोट किया होगा नॉर्मली मैं सैलेड्स के अंदर रेड अनियन यूज करती हूँ, अगर आप चाहें तो नॉर्मल अनियन भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने ले ली है रेड कैप्सिकम, आप कोई भी कलर की कैप्सिकम ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे रेड इसलिए लिया क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू एड बिट ऑफ कलर इन माई सैलेड, यू नो। अच्छा इसके बाद ये मैंने ले लिया है अपना सैलेड लीव्स लेटस, इसको भी मैंने पतला पतला जूलियन कट में चॉप कर लिया है, ठीक है सब चीजें गई हमारी। अच्छा इसके अंदर हमने सीजनिंग में क्या डालना है, मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1/4 teaspoon सॉल्ट, यहाँ पे मेरे पास है ऑलिव ऑयल। सैलेड्स में हमेशा आप लोग कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल यूज करें, नॉर्मल ऑयल का वो मजा नहीं आता है जो सैलेड ड्रेसिंग्स के अंदर हमेशा ऑलिव ऑयल का आता है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। चलिए जी, तो हमारे जो है ये देखिए कबाब, हमारे जो शाही टिक्के थे वो बिल्कुल रेडी हैं, इतने जबरदस्त लग रहे हैं शक्ल से। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको सर्व कैसे करना है। आज मैं इसको अपने सिज़लर में सर्व करने जा रही हूँ, और सिज़लर जो है वो मेरा है बिल्कुल मजेदार सा गरम, ये देखिए ठीक है। अब हम यहाँ पे डालेंगे अपने सिज़लर पे थोड़ा सा ऑयल, ठीक है जस्ट अ टाइनी बिट। इसके बाद थोड़ा सा हम लगा देंगे साइड पे इसके टोमेटोस, थोड़ा सा इसको गार्निश करने के लिए। इस पे मैं थोड़ा सा और लेमन जूस ऊपर से स्प्रिंकल करूंगी, कि लेमन जूस जो है ना वो इसके अंदर बहुत मजे का फ्लेवर देगा। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं इस पे डालूंगी अपने चॉप्ड कोरिएंडर, ये देखिए यम यम यम। और ये हमारा मजेदार सा सिज़र बिल्कुल रेडी है, और ये इतने मज़े की इसमें आवाज़ भी आ रही है, मैं आपको थोड़ा सा ये ऊपर करके दिखाती हूँ। ये देखिए आप लोग बहुत मज़े का बना है ये, और साथ में आप देखिए मैंने जो आप लोगों को सैलेड बताया था जो हम इसके साथ सर्व करेंगे वो भी मेरा सैलेड बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट अब आप लोग इसको ट्राई कीजिए, मैंने आप लोगों को स्पेशली ये रेसिपी ईद के लिहाज से बताई है, आप लोग जब अपने घर में कोई ईद की दावत वगैरह रखें तो ये बनाइए, इन्जॉय कीजिए। इसको आप एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं ओनली विद सैलेड, और आप इसको कोई फ्लावर राइस या कोई प्लेन से राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या अगर कोई रोटी के साथ खाना चाहे रैप टाइप बना के तो आप इसको रोटी या नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको ट्राई कीजिए, इन्जॉय कीजिए, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। एट दिस पॉइंट मैं चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ जल्दी आप लोगों से मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।